दिल्ली से लेकर पूरे एनसीआर में प्रदूषण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का स्तर दिवाली के बाद से ही लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आज भी इसमें कोई राहत नहीं मिली है। हवा नहीं चलने से प्रदूषण से हालात बदतर होते जा रहे हैं। सर्दियों ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी कि दिल्ली की हवा एक बार फिर हो गई जहरीली। हवा में इतने प्रदूषक तत्व तो घुल गए कि सूरज पस्त नजर आने लगा और सांस लेना दुश्वार हो गया। मॉर्निंग वॉक पर जाना खतरनाक हो गया और घर के भीतर भी सांस लेना सितम बन गया। दिल्ली की हवा में घुला ज्यादा जहर, एनसीआर में सांस लेना हुआ सितम। नवंबर में एक बार फिर सांसों पर अटैक, प्रदूषण पर ऐसा वार, जीना दुश्वार। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज भी दिल्ली की हवा में सांस लेना खुद की सेहत से खिलवाड़ करना है। आज दिल्ली का एक्यूआई 465 है, यानी खतरनाक। पड़ोसी नोएडा की हालत तो और भी खतरनाक है। यहाँ तो कमोबेश हर जगह पर एक्यूआई 700 के पार है। अब जरा दिल्ली की कुछ और जगहों पर एक्यूआई के आंकड़ों पर गौर कीजिए। हर जगह आंकड़ा इतना है जो मौसम विभाग और सरकार खतरनाक मानती है। रोहिणी में एक्यूआई 463 और आईटीओ पर 484 है, यानी दोनों डेंजर जोन में है। चांदनी चौक पर ये 483 दर्ज किया गया तो द्वारका में 492। हरियाली के लिए मशहूर लोदी रोड पर भी 450 एक्यूआई है। ओखला में एक्यूआई 480 है तो आईजीआई एयरपोर्ट पर 462। प्रदूषण सारी हदें पार कर रहा है और सरकार के हुक्मरान इस पर बात करने से भी कतराने लगे हैं। राजस्थान के सालासर में बालाजी धाम पूजा के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के जहरीली हवा पर सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। सर, आज भी वही सादगी है आपकी देखने में आई है कि मीडिया से आपने बात किया, लेकिन सर हल्का सा पोल्यूशन आपने यहाँ भी देखा हुआ, दिल्ली का देखा हुआ, किस तरह से पोल्यूशन? दिल्ली की हवा PM10 यानी बड़े धूल कणों का स्तर बीते 30 घंटों से खतरनाक बना हुआ है और छोटे धूल कणों यानी PM2.5 की बात करें तो 32 घंटों से इनका स्तर खतरनाक है। जरा दिल्ली की अलग अलग जगहों की इन तस्वीरों को एक नजर में देखिए, आपको हालात का अंदाजा खुद लग जाएगा। इंडिया गेट की इन तस्वीरों को देखिए, आम दिनों में यहाँ से राष्ट्रपति भवन साफ दिखता है, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। राष्ट्रपति भवन धुंध में खोया है, दूर तक सड़क पर सिर्फ धुंध है। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन और करीब है, हमने यहाँ जाकर देखा, लेकिन यहाँ से भी राष्ट्रपति भवन की मामूली झलक पाना भी मुश्किल था। अब जरा दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके का हाल देखिए, हरियाली भी यहाँ स्मॉग से मुकाबला नहीं कर पाई, स्मॉग का असर साफ दिख रहा है। नोएडा DND पर हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। नोएडा में स्थिति और भी खतरनाक है, यहाँ तो PM10 का लेवल 772 पर पहुँच गया। नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में इमारतें स्मॉग में ढकी दिखी, लोग इस जानलेवा प्रदूषण से परेशान दिखे। सुबह में हम लोग ये सोचते हैं कि आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है और मेनली ऐसा लगता है कि पराली जलाने से पोल्यूशन है। लेकिन जब से दिवाली आई है और उसके बाद से मतलब मौसम खराब ही होता जा रहा है, मतलब डेली मतलब देखते हो तो इतना फॉग टाइप का लग रहा है, तो और थोड़ी सी आंखों में जलन सी भी कभी कभी होती है। धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी नसीब नहीं होता है और लोगों को उससे परेशानी भी है, पॉल्यूशन है तो इससे तो हेल्थ इफेक्ट होता ही है। नहीं, जिनकी जो अस्थमेटिक है उनको घर बैठना चाहिए, जिनको इम्यूनिटी लो है उनको भी नहीं आना चाहिए, जो ठीक है उनको आना चाहिए। काम तो करना ही है, पब्लिक मूव करेगी तो व्हीकल एमिशन हो गई होगा, तो इसको गाड़ियों को ही कम करने से नहीं होगा काम,
इस चीज में जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ाएंगे, एडुकेटली नहीं करेंगे। आखिर इस प्रदूषण की वजह क्या है? आखिर क्यों दिल्ली हर बार इस मौसम में जानलेवा प्रदूषण झेलती है? दिल्ली में इसे स्मॉग की चार वजह हैं। गाड़ियों का धुआं पहली वजह है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण दूसरी वजह, तीसरी वजह है पराली जो पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही है। सवाल ये कि आखिर प्रदूषण से आने वाले दिनों में राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग के मुताबिक कल कुछ राहत रहेगी, लेकिन 15 नवंबर को एक बार फिर प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार नाराजगी जता चुका है। दिल्ली और एनसीआर की जनता परेशान है, लेकिन हाल फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो।